हिंदी माध्यम के रवि कभी करते थे पिता के साथ खेती, आ जाए यूपीएससी टॉपर। रवि कुमार सिहाग ने साल 2018 में अपने पहले ही प्रयास में यूपीएससी सिविल सर्विसेज परीक्षा में सफलता अर्जित की थी। साधारण किसान परिवार के रवि से जानते हैं उनकी यूपीएससी जर्नी के बारे में। यूपीएससी सिविल सर्विसेज परीक्षा पास करने की जब बात आती है तो कैंडिडेट्स अक्सर कई तरह के सवाल उठाते हैं और कई विषयों को लेकर चिंतित दिखते हैं, जैसे उनका बैकग्राउंड हम्बल है, उनका एजुकेशनल रिकॉर्ड ठीक नहीं है, उनके पढ़ाई का माध्यम हिंदी है, वगैरह वगैरह। रवि ये सब और ऐसे बहुत से प्रश्नों का जीता जागता जवाब है। उन्होंने एक बहुत ही साधारण किसान परिवार से और हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स होने के बावजूद अपने पहली प्रयास में यूपीएससी सीएससी परीक्षा पास की है। रवि को देखकर साफ लगता है, पता चलता है कि एक एवरेज स्टूडेंट जिसकी स्कूलिंग बहुत ही साधारण जगह से हुई हो या जिसके परिवार में कोई इस फील्ड में ना रहा हो, वह भी अगर ठान ले और मेहनत करे तो सफल हो सकता है। दिल्ली नॉलेज ट्रैक को दिए गए इंटरव्यू में रवि ने यूपीएससी परीक्षा से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर खुलकर चर्चा की है। रवि बताते हैं कि वे अपने पिता के साथ बचपन से ही खेती किसानी का काम देखते थे। बीए तक उन्होंने खेती से जुड़े हर काम की जिम्मेदारी संभाली है। ऐसे में जब गांव में खेतों को लेकर, सिंचाई को लेकर या इससे संबंधित किसी भी एरिया में समस्या आती थी तो कहा जाता था कलेक्टर ऑफिस जाओ। आखिर क्या था ये कलेक्टर ऑफिस? हर परेशानी का समाधान वही होता था। तब से वे सोचते थे कि आखिर कलेक्टर होता कौन है जिसके पास हर छोटी बड़ी समस्या का समाधान होता है। इसके अलावा गांव में अक्सर लोग कहते थे कि तुम कौन सा कलेक्टर हो जो ये काम कर लोगे, ये परेशानी दूर कर लोगे, वगैरह वगैरह। ऐसी बातें सुनकर ही रवि का इस क्षेत्र के प्रति आकर्षण हुआ। तभी बीए के बाद उन्होंने इस क्षेत्र में किस्मत आजमाने का फैसला कर लिया ताकि लोगों की समस्याओं का समाधान आसानी से कर सकें। हिंदी माध्यम से नहीं पड़ा कोई फर्क। रवि कहते हैं कि कैंडिडेट्स अक्सर हिंदी माध्यम को लेकर कॉन्फिडेंट फील नहीं करते, जबकि ऐसा नहीं है। आपका माध्यम क्या है इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। उनका माध्यम तो हिंदी था, साथ ही ऑप्शनल भी हिंदी लिटरेचर था। इसके बावजूद उन्होंने न केवल परीक्षा पास की बल्कि ऑप्शन में बहुत बढ़िया अंक भी अर्जित किए। नतीजा यह हुआ कि साल 2018 की हिंदी माध्यम के वो टॉपर बने। वे दूसरे कैंडिडेट्स को भी यही सलाह देते हैं कि इन फालतू चीज़ों में समय न गंवाएं कि आपका माध्यम क्या है, या आप पहले से अच्छे नहीं थे पढ़ाई में, इस एनर्जी को परीक्षा की तैयारी में ही लगाएं तो ज़्यादा लाभ मिलेगा। किसी इंग्लिश मीडियम कैंडिडेट्स को सफलता पाने के लिए कितने पापड़ झेलने पड़ते हैं, उतने ही पापड़ आपको भी बेलने पड़ेंगे। माध्यम कभी आपके रास्ते में रुकावट नहीं बनता, फिर भी है जरूरी। आगे रवि कहते हैं कि हिंदी मीडियम चुनना और उससे परीक्षा देना ठीक है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि आपको इंग्लिश नहीं सीखनी होगी। इस परीक्षा में सफलता अर्जित करने और आगे कामकाज देखने के लिए इंग्लिश एक महत्वपूर्ण जरूरत है, इसलिए इसे इग्नोर कभी ना करें। और ना ही ये सोचें कि आप हिंदी मीडियम के हैं तो अंग्रेजी सीखने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। अंत में बस इतना ही। इस परीक्षा को लेकर कैंडिडेट्स के मन में कई प्रकार की भ्रांतियां हैं। इनमें से एक है कि यह परीक्षा बहुत कठिन है और इसे आसानी से पास नहीं किया जा सकता। रवि कहते हैं कि सभी का अपना सोचना होता है, पर उन्हें ऐसा लगता है कि यह परीक्षा पास करना उतना ही आसान है जितना कि कठिन है। सही अप्रोच के साथ आप सही दिशा में बढ़ें और मेहनत के साथ कोई भी इस परीक्षा को पास कर सकता है। रवि कहते हैं कि अगर मैं यह कर सकता हूँ तो कोई भी कर सकता है। खेतिहर परिवार के इकलौते बेटे के पिता राम कुमार सिहाग किसान हैं, माँ विमला देवी गृहिणी हैं, तीन बहनों के इकलौते भाई। रवि ने बताया कि उनकी एक बहन अध्यापिका, दूसरी सुपरवाइजर और तीसरी गृहिणी हैं। उन्होंने बताया कि मेरे परिवार में इससे पहले कोई युवक किसी सरकारी सेवा में चयनित नहीं हुआ है। यह मेरा पहला ही प्रयास था। पूरी स्कूली शिक्षा श्री विजयनगर के सरकारी स्कूल में और स्नातक अनूपगढ़ के निजी कॉलेज में हुई। इसके बाद एक साल तक दिल्ली में रहकर तैयारी की, रोजाना दिन में 10 से 12 घंटे नियमित पढ़ाई की। इस दौरान सोशल मीडिया से दूरी बनाकर रखी, जो भी मुश्किल टॉपिक होते थे उनको सुबह सुबह लिखकर तैयारी करते थे और उनको ग्रुप डिस्कशन से भी बहुत फायदा हुआ। रवि कुमार किसान परिवार से हैं। जो यूपीएससी इंटरव्यू के दौरान उनसे पूछा गया कि आप यदि सिविल सेवा परीक्षा में सफल नहीं हुए तो क्या करेंगे, तो रवि ने तुरंत कॉन्फिडेंस के साथ जवाब दिया कि वो खेती करेंगे और एनजीओ चलाएंगे। 2016 से 2018 तक लगातार 2 साल तैयारी करने के बाद अपने प्रथम प्रयास में ही रवि ने इस महत्वपूर्ण परीक्षा को प्रथम स्थान अर्जित करके हिंदी माध्यम में उत्तीर्ण किया। रवि ने अपने एससी के पेपर में 123 अंक अर्जित किए और फिर जनरल स्टडी पेपर 1 में भी 89 अंक अर्जित किए। जनरल स्टडी पेपर 2 में उसने 107 अंक, जनरल स्टडी पेपर 3 में 102 अंक और जनरल स्टडी पेपर 4 में उन्होंने 99 अंक अर्जित किए। रवि का ऑप्शन सब्जेक्ट हिंदी
हिंदी साहित्य था जिसके दो पेपर हैं। रवि ने ऑप्शनल पेपर 1 में 156 अंक अर्जित किए और पेपर 2 में 144 अंक अर्जित करके इस प्रकार से टोटल 300 अंक हिंदी साहित्य के पेपर में अर्जित किए। रवि ने लिखित परीक्षा में कुल 820 अंक अर्जित किए और इंटरव्यू में 168 अंक उनको दिए गए। इस प्रकार से टोटल 2025 अंकों में से रवि ने 988 अंक अर्जित करके हिंदी माध्यम में प्रथम स्थान अर्जित कर लिया। अपने पहले ही प्रयास में रवि कुमार सिहाग ने न सिर्फ इस महत्वपूर्ण परीक्षा को उत्तीर्ण किया बल्कि हिंदी माध्यम से प्रथम स्थान अर्जित करके यह साबित कर दिया कि यदि लगन सच्ची हो और मेहनत पूरी ईमानदारी से की जाए तो कोई भी लक्ष्य इम्पॉसिबल नहीं है। राजस्थान के श्री गंगानगर जिले के एक छोटे से गांव में एक साधारण परिवार में जन्मे रवि ने यह साबित कर दिया कि यदि संसाधनों की कमी भी हो, कोई परिवार में मार्गदर्शक भी ना हो और चुनौतियां पहाड़ जैसी हो, तो भी इस परीक्षा को, जो कि संसार की सबसे कठिन परीक्षा मानी जाती है, ना सिर्फ पास किया जा सकता है अपितु इसे टॉप भी किया जा सकता है, वो भी अपने प्रथम प्रयास में। किंतु यह तभी संभव है जब हौसला हो, हिमालय की तह अड़िग, इच्छाओं पर नियंत्रण हो और कुछ गुजरने की जिद हो।